आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 13.1 क्वेश्चन नंबर 7। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोलों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। इस क्वेश्चन में SO2 की सांद्रता यहाँ दे रखी है जैसे 0.00 से 0.04 तक है, फिर 0.04 से 0.08 तक है, फिर 0.08 से 0.12, फिर 0.12 से 0.16, फिर 0.16 से 0.20 तक है, 0.20 से 0.24 तक है। ठीक है, इसमें बारंबारता दे रखी है जैसे 4, 9, 9, 2, 4, 2। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रश्न को सोल्व करेंगे, इसके लिए बनाएंगे 4 डिब्बे, 1, 2, 3 और 4। इसमें 2 डिब्बों में तो पहले आ जाएगी SO2 की सांद्रता और दूसरे डिब्बे में आ जाएगी बारंबारता। हम यहाँ उतार देंगे सांद्रता जो क्वेश्चन में दे रखी है और यहाँ पर लिख देंगे योग। इसके बाद में बारंबारता जो क्वेश्चन में दे रखी है जैसे 4, 9, 9, 2, 4 और 2, हम इन सब का जोड़ कर देंगे, फिर हमें सिग्मा एफ का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस सिग्मा का जोड़ होता है, हम इनको जोड़ेंगे जैसे 4, 9, 13, 9 हो गए 22, 22 सर 2 कितने होते हैं 24, 24 सर 4 28, 28 सर 2 30। इस प्रकार सिग्मा एफ का मान कितना आ गया हमारे पास में 30 आ गया। अब ज्ञात करेंगे अक्ष का मान। अक्ष का मतलब होता है मध्यमान। आपको पता है मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। हम जैसे करके देखते हैं, इसमें पहली संख्या कौन सी है 0.00। ठीक है, दूसरी संख्या 0.04। इन दोनों को जोड़ेंगे पहले। ठीक है, जैसे मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ 4, फिर 0.00। ठीक है, इसमें हम 2 का भाग भी देंगे। आ रहा है समझ में, जैसे यहाँ 0.0 इसका भाग इसमें दिया कितनी बार गया 0.02 है ना, तो इसका मान कितना आ गया यहाँ पर 0.02 आ गया। ओके, अब इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 का भाग देंगे यानी 0.04। मैं यहाँ उतार रहा हूँ 0.04, दूसरी संख्या है 0.08। इनको जोड़ेंगे 8, 4 हो गए 12, 1 आ गया, तो इसका मान कितना गया बच्चों 0.12। इसमें 2 का भाग देंगे तब हमें प्राप्त होगा 0.6। इस प्रकार इसका मान हमें प्राप्त हो गया 0.06। ओके, इसके बाद में इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 0.08 और 0.12 को जोड़ेंगे। ओके, जैसे 8, 2, 10 होते हैं, 8 × 1 = 2.0। इस प्रकार इसका मान कितना आ गया 0.20। इसमें 2 का भाग देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 0.10 या 0.10। ओके, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 0.10। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 0.12 और 0.16 को जोड़ेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 0.12 और 0.16। इनको जोड़ते हैं जैसे 6 × 2 = 8, 1 × 1 = 2 आ गया 0 का 0। इस प्रकार इसका मान प्राप्त हो गया 0.28। इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग किस में देना आपको 0.28 में, तब हमें प्राप्त होंगे 0.14। कितना आ गया यहाँ पर 0.14। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे जैसे 0.16 और 0.20 है, कितना यहाँ पर 0.16 और 0.20 है। इन दोनों को ऐड करेंगे जैसे आ गया 6 का 6, 2 × 1 = 3 हो गया 0.0 है ना, 0.36 हो गया। इसमें 2 का भाग देंगे तो इसमें भाग जाएगा 0.18 बार। ठीक है, इसका मान कितना आ गया अपने पास में 0.18। आ रहा समझ में। अब इन दोनों को जोड़ेंगे जैसे 0.20 और 0.24 है, 0.20 और 0.24 है, दोनों को जोड़ते हैं कितना आ गया 4, 2 × 2 = 4 आ गया 0.0 का 0। इसमें 2 का भाग देंगे फिर तो कितना आ गया 0.22 या 0.22। ठीक है, मैं यहाँ उतार देता हूँ 0.22। आ रहा समझ में। अब ज्ञात करेंगे एफ एक्स का मान। इसका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो एफ की संख्या है और एक्स की संख्या है उन दोनों को गुणा करा लेते हैं। इस प्रकार हमें एफ एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे करते हैं हम 4 को गुणा करेंगे 0.02 से।
इसमें संख्या दे रखी है 4 × 0.02, इसको इससे गुणा करेंगे, 4 × 2 = 8, 0 आ गया, 0.4 को 0 से गुणा किया तो 0, इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा 0.08। इसके बाद में हम गुणा करेंगे 0.06 को 9 से, 0.06 को 9 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9 × 6 = 54, 5 बचेगा, 9 को 0 से गुणा किया 0 आएगा, 0 में 5 जोड़ते हैं 5 आ गया पॉइंट, फिर 9 को 0 से गुणा करते हैं तब हमें प्राप्त होता है यहाँ 0.5 और 4 लिख देंगे, ठीक है। अब करेंगे 9 × 0.10, 0.10 × 9 करेंगे, इसको इससे गुणा किया 0 आ गया, 9 को 1 से गुणा किया तो 9 ही आता है पॉइंट, 9 को 0 से गुणा किया तो 0.90, हम यहाँ कर देते हैं 0.90। इसी प्रकार इसको इससे गुणा कराएंगे कितना जाएगा बच्चों, 0.28, इस 14 को 2 से गुणा किया 28 आ गया पॉइंट 0 है। फिर इसके बाद में करेंगे 4 × 0.18, 0.18 को हम 4 से गुणा कराते हैं, 8 × 32, 3 बचेंगे, 4 × 4 = 4, 3 = 7 पॉइंट का पॉइंट, 4 को 0 से गुणा किया तो 0.72, मैं लिख रहा हूँ 0.72। इसके बाद में गुणा करेंगे 0.22 × 2, ठीक है, 0.22 × गुणा करेंगे 2 से, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 को 0 से गुणा किया तो 0.44, इसका मान हमें प्राप्त हो गया 0.44। इसके बाद में हम इन सभी को जोड़ेंगे और हमें सिग्मा एफ एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ सिग्मा एफ एक्स बराबर, ठीक है, इन सबको जोड़ते हैं, जैसे 8 × 4 = 12 होते हैं, 12 × 8 = 20, 20 × 2 = 22, 22 × 4 = 26, यहाँ आ गया 26 × 6 हासिल के 2, फिर 2 × 5 = 7, 7 × 9 = 16, 16 × 2 = 18, 18 × 7 = 25, 25 × 4 = 29 होते हैं, 29 × 9 आ जाएगा, हासिल के आएंगे 2, हम यहाँ उतार देंगे 2.96, ठीक है। प्रकार सिग्मा एफ एक्स का मान प्राप्त हो गया हमें 2.96। हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य, माध्य का सूत्र होता है एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है, यानी सिग्मा एफ एक्स का मान टोटल कितना है 2.96, इसके बटे में आ जाएगा सिग्मा एफ का मान, और सिग्मा एफ का मान हमारे पास में है कितना 30, ठीक है, 30 का भाग देना है 2.96 में, यानी पॉइंटों में भाग नहीं जाता आपसे तो आप क्या करोगे, पॉइंट को भूल जाओ पहले, हमें उतार देंगे 296 और बटे में कितने यहाँ पर 30 है, ठीक है, इनटू करेंगे इस पॉइंट का मानते हैं 1, पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतनी जीरो उतारेंगे, पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो मैं उतार रहा हूँ 2 जीरो, इस प्रकार कितना हो गया 296/3000, यानी आपको इस 3000 का भाग 296 में देना है, यानी 296 में किसका भाग देना है 3000 का, तब हमें उत्तर प्राप्त होगा 0.099। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का माध्य हो जाएगा 0.099, ठीक है।